हेलो दोस्तों, आप सब कैसे होंगे? तो आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर आर्ट एंड कल्चर पर, जिसको आप लोग हिंदी में कला एवं संस्कृति के नाम से भी जानते होंगे। इसको हम लोग आईएएस और पीसीएस के लिए, पीटी और मेंस दोनों के लिए कवर करेंगे। आप लोगों के लिए 6 से 7 क्वेश्चन मेंस के आज लिखने के लिए दिए जाएंगे। पेशेंस के साथ ये वीडियो आप लोग देख लीजिए। इस क्लास को देखने के बाद आप लोग आराम से उन क्वेश्चन के आंसर 150 से 250 शब्दों में लिख सकते हैं, और लिखने के बाद आप लोग सबमिट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर सबमिट भी कर सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सभ्यताओं का संघर्ष। इससे पहले हम लोग कल्चर के बारे में और सिविलाइजेशन के बारे में देखे थे, दोनों में अंतर भी किए थे, कौन कौन सी समानताएं हुए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सभ्यता है, हम बताए थे कि वहां पर जो सभ्यता संस्कृति, कई बार इसको पूरक के रूप में भी यूज कर लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे विचारकों का मानना है कि जो सभ्यताओं का अंतर है, दो सभ्यताएं, दो कल्चर हैं, इनके आपस में अंतर होने के कारण ही संघर्ष हो जाता है, क्लैश हो जाता है। और एक क्लैश का कारण क्या है? एकमात्र उन्होंने कहा सभ्यताओं में अंतर होना। तो हम लोग इस विचार, जो इस कथन का हम लोग आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे और देखेंगे कहाँ तक सत्य है, और एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे मेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले के लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, तो आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमने मना किया है कि आपको एफ पर एडमिशन नहीं लेना है जाकर के, फिर भी आप लोग देख रहे हैं इस महीने में हम जब भी हमें मैसेज आता है हम मना कर देते हैं कि अभी आप लोगों को एडमिशन नहीं लेना है, फिर भी आप लोग इतना ज्यादा एडमिशन ले रहे हैं जाकर के, बल्कि हम इतने लोगों को मना कर देते हैं आप लोगों को एडमिशन नहीं लेना है जाकर के। देखिए, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए बैच लॉन्च कर दिया है ना, तो आप लोग यहाँ पर 27 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो 27 जून से आप लोग क्यों रिकॉर्डेड वीडियो जाकर के देखते हैं? खासकर ये इकोनॉमिक्स वाला जो हम महा मैराथन क्लास कराए थे ना, तो मैक्सिमम लोग हैं ये इकोनॉमिक्स का ही परचेज करते हैं जाकर के। तो इकोनॉमिक्स की अब नई क्लासेस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। देखिए, जिसको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, इस बार जिसको पेपर देना है वो जाकर के देख ले, लेकिन वो लास्ट ईयर हम आप लोगों को पढ़ाए थे, अब आप लोगों के लिए एकदम नए से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ा रहे, तो क्यों जाकर के आपके एडमिशन लेना? देखिए, एकमात्र ऐसे टीचर हम आए जो हम कह रहे हैं कि आप लोगों को एडमिशन नहीं लेना है हमारे कोर्सेज में जाकर के, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पढ़ेंगे, बल्कि हमारी अर्निंग ही हो रही है, फिर भी हम आपको बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि भाई, क्यों आपको पुराना देखना है जब आपको हम और बेहतरीन तरीके से अब यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी लाइव पढ़ेंगे, वहां पर आप लोग रिकॉर्डेड देखेंगे, वहां पर साउंड भी थोड़ा सा हल्का फुल्का होता रहता है, क्योंकि वो ऐप पर उतना अच्छा हमारी स्टार्टिंग में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास में सारा सेटअप बहुत बेहतरीन तरह से है, तो आप लोगों के लिए पहले से भी 10 गुना अच्छे से क्लासेस दिया करेंगे। आप लोगों को इतनी अच्छी क्लासेस लगती हैं, आप लोग जाकर के एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। देखिए, आप लोग जाकर के आप सोचते हैं कि अभी एडमिशन वो वहां पर ले लेते हैं और सारी वीडियो देख लेते हैं, नहीं, लाइव देखिए मजा आएगा आप लोगों के लिए, एक साथ हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए, इसकी अधिक जानकारी चाहते हैं अगर आप लोग यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और यूपी एससी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, बैचेस 3 बैचेस हमने यहाँ पर लॉन्च किए हैं, 27 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, जाकर के इसका जो लिंक है वीडियो का वो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन में दे दिया जाएगा। वहां पर सैकड़ों लोग हैं वो फॉर्म फिल कर चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं वहां पर कमेंट भी बहुत सारे लोग किए हैं, सैकड़ों से ज्यादा भी लोग कमेंट कर चुके हैं, आप भी जाकर के कमेंट कर दीजिए और जाकर के जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए, 27 जून से आकर के पार्टिसिपेट करिए। एकदम धांसू धांसू बैचेस आप लोगों को चलेगा, एकदम जैसे आपकी क्लासेस मजा आता था ना, आपको क्रैश कोर्स अभी कुछ पढ़ाए थे कुछ सब्जेक्ट तो आपको मजा आया ना, तो उससे भी और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाई सकते। देखिए, 10,000 का जो टारगेट है हम लोगों का सब्सक्राइबर का, वो आप लोग जल्दी पूरा कर देंगे। आप लोग देख रहे हैं इतनी तेजी से अपने सब्सक्राइबर को, अपनी फैमिली को आप लोग बढ़ा रहे हैं, तो इसी तरह से प्यार करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी हमारे प्रोग्राम के बारे में बताएं और अपने क्लब से जोड़ने का प्रयास करें। देखिए, ये वाली जो महा मैराथन क्लास चला रहे थे ना, इसमें हमने ये यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, इसी में हम बता दिए थे कि जो लोग इस बार पेपर दे रहे हैं वही जाकर के परचेस करें, सिर्फ जाकर के, वो भी 99 रुपए का अगर परचेस करना चाहते हैं तो लेकिन आप लोग अगर इस बार पेपर नहीं दे रहे हैं, आपको अभी मे से नहीं देना है, तो आपको ये लेक्चर परचेस नहीं करने हैं जाकर के। ओके, अभी हम आपको यूट्यूब पर ही कुछ महीनों के बाद में, 1-2 महीने के बाद में आप लोगों को पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे इकोनॉमिक्स, अभी आप लोगों का इन्वायरमेंट चलेगा,
तो इन्वायरमेंट आप लोग देखिएगा, इन्वायरमेंट के बाद में इकोनॉमिक्स स्टार्ट करना चाहेंगे तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसे आप लोग डिमांड होगी वैसा ही किया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि जैसे जो हम पढ़ाते हैं वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है, अभी और ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि अब आराम आराम से पढ़ाएंगे। जो मैराथन क्लासेस होती है उनमें तो जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ता है, तब आपको इतना अच्छा लगता है। और इसमें तो आपने भयानक ज्यादा प्यार दिया और इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेकर के आ रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सभ्यताओं का संघर्ष, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए हम दिल से आप लोग सभी लोगों का धन्यवाद बोलना चाहते हैं। और इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, हम आप लोगों के लिए नई नई चीजें लाते रहेंगे। ओके, देखिए हम लोग बात करते हैं सभ्यताओं का संघर्ष। आखिर सभ्यताओं का संघर्ष का मतलब क्या है? देखिए एक एक्स व्यक्ति है, तो मानते हैं वो एक्स व्यक्ति है, उसका एक ग्रुप है, और दूसरा वाई व्यक्ति है, उसका एक ग्रुप है। अब ये दो ग्रुप हैं, अब इन दो ग्रुप हैं इसमें कुछ समानताएं होंगी और कुछ असमानताएं भी होंगी। जब कुछ ऐसी असमानताएं होती हैं जो आपस में मेल नहीं खाती हैं तो क्या हो जाता है, उनमें मतभेद हो जाता है। मतभेद होने के बाद में वो विरोध का कारण बन जाता है और बाद में दंगे फसाद होने लगते हैं। तो इसी तरह से देखा जाता है कि एक देश के परिप्रेक्ष्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि कैसे कि एक संस्कृति और एक सभ्यता वाले लोग हैं वो एक तरफ हो जाते हैं और दूसरी संस्कृति सभ्यता वाले लोग एक तरफ हो जाते हैं, और इस तरह से गुट बन जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा पहले से बहुत सारे युद्ध होते चले आ रहे हैं, तो उनका भी कारण माना जाता है कि एक सांस्कृतिक कारण उनके पीछे अवश्य रहा है। और इसी में एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ। अब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद से आप सभी लोग जानते होंगे जो थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, उसके बाद से दो महाशक्तियां हैं वो उभर करके आई, एक अमेरिका दूसरा रूस। एक एक गुट की ओर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर यूएसए था, क्या था, यूएसए था, और दूसरे गुट की ओर आपको देखने को मिलेगा यूएसएसआर आपको देखने को मिलेगा, जिसे रूस बोलते हैं, उसके नेतृत्व में यहाँ पर चल रहा था। लेकिन ये दोनों चल रहे थे और इसी दौर को बोलते हैं शीत युद्ध का दौर। और एक समय आया 1990 का समय जब यूएसआरआर था, यूएसएसआर था, ये टूट गया। और जब ये टूट गया तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ही महाशक्ति बची विश्व में, यूएसए। तो वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा कि यूएसए ही क्या है, माई बाप के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। और इसी दौर को क्या बोलते हैं, इसी दौर को बोलते हैं शीत युद्ध का दौर। क्या बोलते हैं इसको, कोल्ड वॉर या फिर शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। आखिर इसे शीत युद्ध का दौर क्यों बोलते हैं, क्या इसमें कि बर्फ के गोले मारे जा रहे थे क्या, जो बारूद की जगह पे, अरे नहीं यहाँ पर बर्फ के गोले नहीं चले थे, बर्फ की गोलियां नहीं चली थी, तो यहाँ पर ऐसा इसको शीत युद्ध का नाम क्यों दिया गया। देखिए इसको शीत युद्ध का नाम इसलिए दिया गया, यहाँ पर कोई हथियार, कोई भी यहाँ पर टैंकर वैंकर मिसाइलें विसाइलें नहीं छोड़ी गई थी। बस यहाँ पर क्या हुआ था कि विश्व था वो दो गुटों में बट गया था। वो कहते थे तू हमारे खेमे में आ जा, वो कहते थे अरे तू हमारे खेमे में आ जा। और यहाँ पर दो विचारधाराओं में एक तरह से विश्व बटा हुआ दिखाई देने लगा था। तो इसीलिए इसको माना जाता है कि एक तरफ यूएसए जो लोकतांत्रिक विचारधारा का था उसकी सभ्यता उसकी संस्कृति अलग थी, और दूसरी तरफ आपको जो साम्यवादी और जिसको समाजवादी भी बोलते हैं, मार्क्सवादी भी बोल सकते हैं, उधर कौन था, रसिया था। तो दूसरी तरफ तो दोनों की सभ्यताएं क्या थी, अलग अलग थी, इसीलिए क्या हो गया, एक क्लैश हो गया। तो देखिए कई सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे व्यक्ति थे, विद्वान थे, उन्होंने इसको बोला कि ये यहाँ पर क्या हो गया था, इसका डिक्लाइन हो गया था। यहाँ पर डिक्लाइन हो गया था। आपको देखने को मिलेगा कि जो हटिंगटन है इन्होंने कहा था कि 1993 में इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी, इसी बुक में कहा था ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इसको बोला था। तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं इस सभ्यताओं का संघर्ष है इसका तात्पर्य क्या है। तो हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे, एक बार हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे इसकी संकल्पना के बारे में, संकल्पना की सभ्यताओं का संघर्ष से मतलब क्या है, जो हटिंगटन ने दी है आखिर क्या संकल्पना दी है, हम संकल्पना के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे इसके पक्ष में जो विचार दिए गए हैं उनको भी तो देखना जरूरी है, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, पक्ष और विपक्ष की तुलना करके एक मूल्यांकन कर सकते हैं। और जो इसके विपक्ष में, इस संकल्पना के विपक्ष में जो विचार दिए गए हम वो भी देखेंगे, और
इन दोनों को देखने के बाद में हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करके बताएंगे भाई। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सभी चीज को। तो देखिए, अगर हम संकल्पना की बात करें तो इस संकल्पना के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर, यहाँ से आप लोगों को नोट भी करते हुए चलना है, मतलब स्टार्टिंग से ही नोट करते हुए चलना है। यहाँ से आपको सब कुछ इस तरह से नोट करते हुए चलना है। अब ये भी आप लोगों को नोट करना है कि देखिए संकल्पना क्या थी, सभ्यताओं का संघर्ष। और अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, एकदम परेशान नहीं होना है। आप लोग कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को पीडीएफ ये सेंड कर दी जाएगी पूरी की पूरी। ओके, तो देखिए संकल्पना की अगर हम बात करें, जो हटिंगटन के द्वारा संकल्पना दी गई सभ्यताओं के संघर्ष से रिलेटेड, तो सभ्यताओं का संघर्ष जो अमेरिकन राजनीतिज्ञ जो सैमुअल हटिंगटन द्वारा किया गया, जिसे उन्होंने 1993 में अपनी पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमार्किंग वर्ल्ड ऑर्डर में दिया था। देखिए इस बुक का आप लोगों को थोड़ा सा नाम ध्यान रखना है। इस सिद्धांत का मानना है कि शीत युद्ध काल में विश्व में संघर्ष का कारण विचारधाराओं की टकराहट की बजाय सभ्यता और संस्कृतियों की टकराहट में होगी। ओके, तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। ओके, सभ्यताओं का संघर्ष अमेरिकन राजनीतिज्ञ सैमुअल हटिंगटन द्वारा किया गया। उन्होंने 1993 में अपनी पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, अपनी पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमार्किंग वर्ल्ड ऑर्डर में दिया था। इस सिद्धांत का मानना है, इस सिद्धांत का मानना है कि शीत युद्ध में विश्व में संघर्ष का कारण विचारधारा की टकराहट की बजाय सभ्यता एवं विचारधारा की टकराहट की बजाय सभ्यता एवं संस्कृतियों की टकराहट में होगी, संस्कृतियों की टकराहट में होगी। ओके, थोड़ा सा आप लोग तेजी तेजी नोट करिएगा और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कभी आपको थोड़ा सा गलत गलत हो जाए तो आप लोग नोट कर सकते हैं, अगर पीडीएफ पूरी चाहिए तो वो भी आप लोगों को ये मिल जाएगी। ओके, तो देखिए जो हटिंगटन थे उन्होंने बताया कि हमारा जो पूरा विश्व है उसमें 9 प्रकार की संस्कृतियां हैं। उन्होंने यानी कि जो सभ्यताओं को कितने भागों में बांटा, सभ्यता को उन्होंने 9 भागों में बांटा कि पूरा विश्व है वो 9 सभ्यताएं उसमें पाई जाती हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हटिंगटन ने जो अपनी पुस्तक में बताया, चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी देश कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पश्चिमी यूरोप पश्चिमी देशों के अंतर्गत आते हैं। और वहीं आपको देखने को मिलेगा जो लैटिन अमेरिका है, तो लैटिन अमेरिका में मैक्सिको आता है, मैक्सिको यदि आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से ऑर्थोडॉक्स में कौन आता है, तो ऑर्थोडॉक्स में रूस, आपको रूस देखने को मिलेगा, साइप्रस और जो बुल्गारिया है और यूनान है। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है क्योंकि गूगल वॉइस टाइपिंग का हम लोग उपयोग करते हैं तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, और यूनान इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं सीनिक देशों में, जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए, वहीं सीनिक देशों में चीन, कोरिया, वियतनाम आपको देखने को मिलेंगे। और हिंदू राष्ट्रों के अंतर्गत एक इन्होंने सभ्यता को हिंदू हिंदू राष्ट्रों के अंतर्गत बांटा, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा भारत और नेपाल आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से उन्होंने विश्व को बुद्ध सभ्यता के अंतर्गत भी बांटा था। तो छठा उन्होंने बताया था बुद्ध, जैसे कि कौन कौन से देश इसके अंतर्गत आते हैं, हटिंगटन ने बताया तो कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका और लाओस आपको देखने को मिलेंगे। कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका और लाओस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इसके अलावा उन्होंने जो मुस्लिम देशों में भी इसको विभाजित किया विश्व को, जैसे कि उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि। और देखिए यहाँ पर आठवां उन्होंने सब सहारा में बांटा, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा, तो सब सहारा में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और देखिए 9वें नंबर पर इकलौता इधर जापान को उन्होंने रखा यहाँ पर। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर थोड़ा बहुत छूट गया हो तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
चलिए हम लोग देखते हैं सभ्यताओं का संघर्ष। तो सभ्यताओं के संघर्ष की बात करें तो यहाँ पर जो हडिंगटन का मानना है कि विश्व के उपरोक्त तो सभी संस्कृतियों में काफी अंतर है। हटिंगटन संकल्पना का मानना है कि विश्व के उपरोक्त सभी संस्कृतियों में काफी अंतर है, आपस में इनमें कोई मेल नहीं है, आपस में इनमें कोई मेल नहीं है, जिससे टकराहट को बल मिलता है, जिससे टकराहट को बल मिलता है। वैश्वीकरण की दुनिया में यह टकराहट, वैश्वीकरण की दुनिया में यह टकराहट और तीव्र हो जाती है। देखिए, हटिंगटन का मानना था कि विश्व है उसमें बहुत सारी संस्कृतियां पाई जाती हैं, मतलब बहुत सारी सभ्यताएं पाई जाती हैं, और उनके रीति रिवाज हैं, रहन सहन है, उन सभी में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है, जिस वजह से ये क्लैश का वो बहुत बड़ा कारण बनता है, ऐसा उनका मानना था। हमारा मानना नहीं है, हम तो अभी मूल्यांकन करेंगे, तब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, और इसी तरह से हम लोग देखते हैं संघर्ष के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। चलिए हम लोग कारणों पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नंबर एक आपको देखने को मिलेगा, हेडिंग डालिए संघर्ष के प्रमुख कारण। ओके, संघर्ष के प्रमुख कारण, तो आधुनिक तकनीकी के कारण, आधुनिक तकनीकी के कारण सांस्कृतिक पहचान के संकट का खड़ा हो जाना। देखिए, आधुनिक तकनीक है, आप लोग देखते हैं कि सब कुछ अभी इतना एडवांस हो गया है, तो हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, हमारी पुरानी रीति रिवाज है, उनको लेकर के जो हमारा समाज है वो कहीं ना कहीं सोचता रहता है कि यहाँ हमारी जो संस्कृति है वो कहीं विलुप्त ना हो जाए। ओके, तो कहीं ना कई बार क्या हो जाता है, यहाँ पर ये संकट का कारण बन जाता है, एक क्लेश का एक प्रमुख कारण भी बन जाता है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा, वैश्वीकरण के कारण आर्थिक संकट का खड़ा होना। वैश्वीकरण के कारण आर्थिक संकट का खड़ा होना, जैसे 2008 में आपको देखने को मिलेगा कि वैश्विक लेवल पर महा आपको मंदी देखने को मिलेगी, इतनी बड़ी मंदी है कि पूरा विश्व उससे प्रभावित हुआ था। ओके, भारत भी प्रभावित हुआ, लेकिन भारत पर उसका प्रभाव थोड़ा था कम पड़ा था, वो बहुत सारे रीजन थे जो कि आप लोग जानते हैं। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि वैश्वीकरण के कारण आर्थिक संकट का खड़ा होना, अनेक देश अपने पिछड़ेपन के लिए, अनेक देश अपने पिछड़ेपन के लिए दूसरे देशों को जिम्मेदार मानने लगे हैं, देशों को जिम्मेदार मानने लगे हैं, इसके लिए सांस्कृतिक विरोध करते हैं, इसके लिए सांस्कृतिक विरोध करते हैं। जैसे पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, उसके यहाँ कुछ भी हो जाए, पड़ोसी के घर में बच्चा भी हो जाए ना, तो वो भी किसकी वजह से हुआ है, कि वो भारतीयों की वजह से हुआ है। अब ये समझ नहीं आता कि भारतीयों की वजह से कैसा हुआ है, वहां पर कोई भी चीज हो, अगर पाकिस्तान में जिस दिन कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया ना, उस दिन वहां पर इतने सारे विरोध आंदोलन होने लगेंगे कि इस्लामाबाद है ना, वो लगेगा ही नहीं कि इस्लामाबाद ये कहीं राजधानी है, लगेगा कि ये क्या है, ऐसे कि अखाड़े का जो अखाड़ा होता है ना, दंगल वाला अखाड़ा होता है, वैसा लगने लगेगा। वहां की हालत है ना, वो एकदम चरमराई हुई है, आपको देखने को मिलेगी। तो वो हमेशा किस बात से चुप करा देता है लोगों को, कश्मीर की, कश्मीर वाली लॉलीटॉप लॉलीपॉप दे करके वो लोगों को शांत करा देता है, फिर भाई तुम कहीं भी खाओ कैसे भी रहो कोई मतलब नहीं, भाई कश्मीर क्या है, कश्मीर है हमारा, वो ऐसे ही बोल करके। और उनको पता है कि ना ही कभी कश्मीर उनको मिलने वाला है, ना ही वो कभी मुद्दा खत्म होगा, और ना ही फिर लोग हैं वो कभी इस बारे में सोच पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो आपको देखना है, दुनिया की सभी संस्कृतियों ऐतिहासिक रूप से अलग हैं। दुनिया की सभी संस्कृतियां ऐतिहासिक रूप से अलग रही हैं, इससे उनके टकराहट को बल मिलता है, इससे उनके टकराहट को बल मिलता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो सभ्यता के संघर्ष के सिद्धांत के पक्ष में जो विचार दिए गए हैं, उन पक्षों को देख लेते हैं कि किस आधार पर ऐसा बोला जाता है कि जो यहाँ पर क्लैश का कारण है वो एकमात्र कारण क्या है, सभ्यता का ही अलग होना है। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि दुनिया के अनेक विचारक और विद्वान सभ्यताओं के संघर्ष में विश्वास रखते हैं, 9-11 के
जो 9/11 का हमला हुआ था अमेरिका के ऊपर, उसके बाद से ऐसे विचारकों की और संख्या तेजी से बढ़ने लगी कि हाँ कहीं ना कहीं जो क्लैश का कारण है वो कहीं ना कहीं सभ्यता और संस्कृति को लेकर के है, तभी इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं। इसके अलावा एक धार्मिक समूह के रूप में जो मुस्लिम उदारवाद और जो प्रजातंत्र और गतिशील विचारों के जो समर्थक नहीं है, बल्कि वो आप लोग देखेंगे कि जो अपने धर्म के प्रति ज्यादा आस्थावान होते हैं और जिससे रूढ़िवादिता को जन्म मिलता है, तो आप लोग देखेंगे कि ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पर ये ऐसे तर्क दिए जाते हैं जिनके आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि जो क्लैश होता है उसमें एकमात्र कारण क्या है, सभ्यताओं का अलग होना। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों नोट करना है कि दुनिया के अनेक विचारक एवं विद्वान सभ्यताओं के संघर्ष में विश्वास रखते हैं। सभ्यताओं के संघर्ष में विश्वास रखते हैं। 9/11 के बाद, 9/11 का जो हमला हुआ था, 9/11 के हम 9/11 के बाद ऐसे विचारकों की संख्या में और वृद्धि हुई है। इसके लिए अनेक तर्क दिए जाते हैं इसके लिए अनेक तर्क दिए जाते हैं जो निम्न हैं जो निम्न हैं। नंबर एक, आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना है, एक धार्मिक समूह के रूप में मुस्लिम उदारवाद प्रजातंत्र एवं प्रगतिशील विचारों के प्रति प्राथमिक रूप से आस्थावान ना होकर, आप लोग देख सकते हैं जैसे अफगानिस्तान में वहां पर जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी उसको उजाड़ करके फिर से शरिया से रिलेटेड धार्मिक जो प्रथाएं हैं उनसे रिलेटेड वहां पर शासन को स्थापित करने की बात की गई, और इतना बड़ा वहां पर विरोध आंदोलन इतने समय से चलता आ रहा है। तो आप लोगों ने देखा ना कि आपको मैक्सिमम जगह यहाँ पर इस तरह का देखने को मिल जाएगा। ओके, इससे रूढ़िवादिता का जन्म होता है, फलता दूसरे संस्कृतियों से इसकी टकराहट होती है। ओके, अभी देखिए हम उन लोगों के विचार के बारे में देख रहे हैं जो पक्ष में, जो सिद्धांत के पक्ष में विचार दिए गए हैं उन विचारों के बारे में देख रहे हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं वो भी चलते हैं। ओके, तो टेररिस्ट ग्रुप चलते हैं वो किस लिए चलते हैं, वो चाहते हैं कि शरिया का कानून हो पूरे हर जगह, सिर्फ जो मुस्लिम धर्म है वही प्रसारित हो। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, आपको दूसरा पॉइंट डालना है कि पश्चिम एशिया में वर्तमान में संघर्ष का एक बड़ा कारण धार्मिक मतभेद है। धार्मिक मतभेद है जो यहूदियों, मुसलमानों एवं चरमपंथी समूहों में दिखाई देता है, जो यहूदियों, मुसलमानों एवं अन्य चरमपंथी समूहों में दिखाई देता है। अगला पॉइंट लिखना है, वर्तमान में अफ्रीकी महाद्वीप में धर्म एवं निर्जातिता को लेकर काफी संघर्ष हुआ है। बौद्ध धर्म जैसा धर्म जो कि अपने शांति बाध्यता के लिए जाना जाता है, उसका स्वरूप भी अब हिंसक हो गया है। हाल के म्यांमार की घटनाओं से इसे समझा जा सकता है। आप लोगों ने देखा कि जैसे कि यहाँ पर जो जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो शांति के प्रतीक एक तरह से माने जाते हैं, बुद्ध हैं वो शांति के प्रतीक माने जाते हैं, वो कम में कहते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा करना पाप है, जीव जीव हत्या करना क्या है पाप है, तो वो किसी भी प्रकार की हिंसा की मनाही करते हैं। लेकिन आपको वर्तमान में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कि
जो बुद्धिस्ट जैसे समुदाय हैं वो भी कहीं ना कहीं हिंसा पर उतर आए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह के विचार बहुत सारे दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा भारत जैसा बहुसांस्कृतिक देश, भारत जैसा बहुसांस्कृतिक देश जहाँ सांस्कृतिक सह अस्तित्व इसकी विशेषता रही है, सांस्कृतिक सह अस्तित्व इसकी विशेषता रही है, वहां सांस्कृतिक टकराहट को काफी बल मिला है, वहां सांस्कृतिक टकराहटों को काफी बल मिला है। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे दंगे हुए थे। ओके, बहुत सारे आपको भाषा को लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर के आपने देखा कि अक्सर दंगे हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे यहाँ पर इस तरह के विचार दिए जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं कि इसके विपक्ष में विचार दिए गए। जैसे कि विपक्ष में विचार दिया जाता है कि भारत जैसा, जहाँ भारत चीन जैसा इतने सारी जहाँ पर विविधताएं पाई जाती हैं, इतनी सारी संस्कृतियां पाई जाती हैं, अलग अलग कल्चर पाया जाता है, अगर यहाँ पर एकमात्र कारण झगड़े का ये होता तो भारत और चीन जैसे देश आज वर्तमान में टूट चुके होते, कई भागों में टूट चुके होते। क्योंकि भारत में आज वर्तमान में लगभग में 2000 से अधिक बोलियां और जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। इसके अलावा आपको जगह जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग प्रकार की संस्कृति, पहनावा, रीति रिवाज अलग अलग हैं। तो भारत के तो लाखों टुकड़े हो जाने चाहिए थे, इसी तरह से चीन के भी हजारों टुकड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यानी कि केवल जो सांस्कृतिक अलगाव जो है, जो सभ्यता का अलग अलग होना एकमात्र क्लैश का कारण नहीं हो सकता है। क्योंकि भारत जैसा इतना आपको विशाल देश देखने को मिलेगा जहां पर सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। इसका एक विपक्ष में एक यहाँ पर विचार इस तरह का दिया जाता है। और इसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे जो विद्वान हैं वो बोलते हैं कि जैसे कि आपको देखने को मिलेगा जो एशिया है, ओके, जो सेंट्रल एशिया है, तो सेंट्रल एशिया में भी बहुत जगह ऐसा देखने को मिलेगा, और जो खाड़ी देश है वहां भी आपको देखने को मिलेगा कि अन्य देशों का जो विरोध किया जाता है वो धार्मिक ना होकर के उनके ऊपर जो वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, उनके संसाधनों पर जो कब्जा किया जा रहा है, इस कारण उन समूहों के द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है। वो कहते हैं कि तुम चले जाओ, हमारे संसाधनों का दोहन क्यों कर रहे हो। ओके, तो इस वजह से वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं पश्चिमी देशों का। तो ये भी एक यहाँ पर बहुत अच्छा तर्क दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस जो सिद्धांत है इसके विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं। तो चलिए, सभ्यता के संघर्ष के सिद्धांत के विपक्ष में विचार, सभ्यता के संघर्ष के सिद्धांत के विपक्ष में विचार। तो अधिकांश विद्वान सभ्यताओं के संघर्ष सिद्धांत की तीव्र आलोचना करते हैं। अधिकांश विद्वान सभ्यताओं के संघर्ष सिद्धांत की तीव्र आलोचनाएं करते हैं। इसके कारण निम्न हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिनके आधार पर आलोचना की जाती है इस सिद्धांत की। जैसे कि नंबर एक, हटिंगटन का आंकड़ा गलत है। इनके तहत सांस्कृतिक विविधता का अति साधारण ढंग से पेश किया गया। हटिंगटन का आंकड़ा गलत है। इसके तहत सांस्कृतिक विविधता को अति साधारण ढंग से पेश किया गया है। विश्व में 9 सभ्यताएं या संस्कृतियां ही नहीं, बल्कि विश्व में 9 सभ्यताएं या संस्कृतियां ही नहीं बल्कि हजारों संस्कृतियां विद्यमान हैं, बल्कि हजारों संस्कृतियां विद्यमान हैं। ओके, भारत में ही आपको देखने को मिलेंगी कि 9 तो हमारे एक जिले के अंदर लेके लाएंगी। ओके, इसके अलावा आपको दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि मुसलमानों के अन्य समूहों से टकराहट के कारण भी अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किए गए या पेश किए गए। मुसलमानों के अन्य समूहों से टकराहट के कारण भी अलग ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। यह कहना कि इस्लाम को मानने वाले
यह कहना कि इस्लाम को मानने वाले सभी व्यक्ति उदार नहीं होते हैं, कि इस्लाम को मानने वाले सभी व्यक्ति उदार नहीं होते हैं, धार्मिक रूढ़िवाद उनमें ज्यादा होता है, धार्मिक रूढ़िवाद उनमें ज्यादा होता है, यह गलत है। तुर्की इसका प्रमुख उदाहरण है, तुर्की इसका प्रमुख उदाहरण है। आपको हमारे भारत में भी देखने को मिलेगा, हमारे भारत में आज जितने भी दोस्त हैं वो हिंदू मुस्लिम सब दोस्त होते हैं, आपस में रहते हैं। जैसे अभी हम इससे पहले जिस लॉज में रहते थे वो खान अंकल का घर था, हम रहते थे, वो हमें आराम से बुलाते थे, जब भी ईद भी होती थी तो बहुत अच्छे से हमारे साथ में सेलिब्रेट करते थे। हमारा दोस्त है जो फहीम कासिम है, वो अक्सर हम लोगों के साथ में ही मतलब खेले बड़े हैं, साथ में पढ़े हैं हम लोग इतने सालों तक, तो वो अक्सर आते जाते रहते, कभी हम लोगों को ऐसा फील नहीं होता। बल्कि जो हमें यहाँ पर 4-5 सालों से जो हमको यहाँ पर पानी पिला रहे हैं भैया, वो खुद मोमडन है, और इतने प्यार से हम लोग रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या है। वो मतलब ये क्यों ऐसा है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा उदारवाद है। हमारे भारत में जो हिंदू हैं मुस्लिम हैं सबके अंदर उदारवाद आपको कूट कूट कर देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ अराजक तत्व हर जगह पाए जाते हैं। आप लोग कहेंगे कि भारत में तो कोई ऐसा मुस्लिम या फिर कोई ऐसा हिंदू नहीं है जो कट्टर नहीं है। नहीं, सभी धर्मों में कट्टर हर जगह देखने को मिलेंगे, आज वर्तमान में हमारे देश में भी देखने को मिलेंगे, दूसरे देश में भी देखने को मिलेंगे। ओके, लेकिन हमारे यहाँ मैक्सिमम जो देखने को मिलेंगे जो उदार संस्कृति के ही लोग हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीयों की एक विशेषता है कि हम उदार होते हैं। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा सभ्यता के संघर्ष के सिद्धांत के विपक्ष में जो विचार दिए गए उनमें से हम तीसरा देख लेते हैं कि मध्य पूर्व में अमेरिका सहित पश्चिमी देशों का मध्य पूर्व में अमेरिका सहित पश्चिमी देशों का विरोध उनका ईसाई होने का कारण नहीं, उनका ईसाई होने के कारण नहीं किया जाता है, ईसाई होने के कारण नहीं किया जाता है, बल्कि पश्चिमी देशों द्वारा क्षेत्र के पश्चिमी देशों के द्वारा क्षेत्र के संसाधनों को पश्चिमी देशों द्वारा क्षेत्र के संसाधनों को हड़पने के विरोध में, संसाधनों को हड़पने के विरोध में किया जाता है, हड़पने के विरोध में किया जाता है। यहाँ विरोध का कारण, यहाँ विरोध का कारण आर्थिक है, सांस्कृतिक नहीं। ओके, तो बहुत सारी कंट्री हैं जहां पर विरोध किया जाता है, पर जो अमेरिका है वो कहते हैं तुम अफगानिस्तान में क्यों आ गए, तुम यहाँ से लिख लो। तो क्या होता है, ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। भारत और चीन जैसे अनेक देश बहुसांस्कृतिक देश रहे हैं, भारत और चीन जैसे अनेक देश बहु सांस्कृतिक देश रहे हैं, सांस्कृतिक सह अस्तित्व इनकी पहचान है, सांस्कृतिक सह अस्तित्व इनकी पहचान है। यदि सांस्कृतिक अंतर टकराहट का प्रमुख कारण होता, यदि सांस्कृतिक अंतर टकराहट का प्रमुख कारण होता तो सैकड़ों वर्ष पूर्व इन देशों का अस्तित्व मिट गया होता, तो सैकड़ों वर्ष पूर्व इन देशों का अस्तित्व मिट गया होता। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग मूल्यांकन भी देख लेते हैं। ओके, तो मूल्यांकन में हमें क्या बोलना है, तो मूल्यांकन में हमें इस चीज को नहीं मानना है कि एकमात्र कारण सांस्कृतिक अंतर ही टकराव का कारण है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यह सत्य है कि दुनिया में अनेक सभ्यताएं एवं संस्कृतियां हैं, यह सत्य है कि दुनिया में अनेक सभ्यताएं एवं संस्कृतियां हैं जिनमें रीति रिवाज रहन सहन, जिनमें रीति रिवाज रहन सहन विचार प्रणाली आदि को लेकर, विचार प्रणाली आदि को लेकर तमाम अंतर होते हैं, को लेकर तमाम अंतर होते हैं। देखिए यादि यहां पर लिखा हुआ है, बल्कि
आदि होता है। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि गूगल बॉट से जैसा कि हम आपको बताए हैं, हम यहाँ पर करेक्शन करा देते हैं तुरंत के तुरंत। ओके, यादि को लेकर तमाम अंतर होते हैं, लेकिन यह अंतर टकराहट का सार्वभौमिक कारण नहीं होता है। लेकिन यह अंतर टकराहट का सार्वभौमिक कारण नहीं होता है, सार्वभौमिक कारण नहीं होता है। दुनिया के सभी संस्कृतियों में, दुनिया के सभी संस्कृतियों में सौहार्द तथा सम्मेलन के, सौहार्द तथा सम्मेलन नहीं समामेलन है, ओके, सौहार्द तथा समामेलन के अनेक गुण विद्यमान होते हैं, अनेक गुण विद्यमान होते हैं। सभी संस्कृतियों में टकराहटों को मिटाने वाले बल भी होते हैं, सभी संस्कृतियों में टकराहटों को मिटाने वाले बल भी होते हैं। सांस्कृतिक सौहार्द को बढ़ाकर एक सुखद विश्व की रचना की जा सकती है, सांस्कृतिक सौहार्द को बढ़ाकर एक सुखद विश्व की रचना की जा सकती है। इसके लिए विभिन्न पंथों, नागरिकों, सरकारों तथा वैश्विक संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग होता रहना चाहिए, संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग होता रहना चाहिए। हम लोग देखते हैं, चलिए भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओके, तो ये नया टॉपिक है। ओके, तो आप लोगों को नया टॉपिक डालना है, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। तो देखिए, भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, खान पान, यहाँ तक कि आपको देखने को मिलेगा हमारा पहनावा ओढ़ावा होता है वो एकदम डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ के जो नृत्य होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के नृत्य, अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ, अलग अलग तरह के आपको संगीत उंगीत देखने को मिलेंगे। मतलब हर चीज में भर भर के विविधता आपको देखने को मिलेगी। इसका इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण सतत रूप से जब बहुत सारे बाहर से लोग आए तो उनका भारत भारत में समावेशन होता चला गया, उनको अडॉप्ट करते चले गए, उनकी संस्कृतियों के साथ में भारतीय संस्कृतियां भी घुलती मिलती चली गई और फिर नई नई संस्कृतियों का जन्म होता चला गया, जिस कारण भारत एक विविधताओं से भरा हुआ एक देश आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। तो नंबर एक आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना है, भारतीय संस्कृति एक बहुलवादी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति एक बहुलवादी संस्कृति है जो अनेक परंपराओं के मेल से जो अनेक परंपराओं के मेल से बनी है। जो अनेक परंपराओं के मेल से बनी है, इसका निर्माण किसी एक समय में ना होकर विभिन्न समय कालों में हुआ है, विभिन्न समय कालों में हुआ है। समय काल में विश्व के बाहरी भागों से समय काल में विश्व के बाहरी भागों से अनेक समूह एवं समुदायों के भारत आकर बसने एवं उनकी सामूहिक योगदान से हुआ है, एवं उनकी नहीं आपकी सामूहिक योगदान से हुआ है।
जैसे कि आर्य, कुषाण, यवन, पूर्व इस्लामी, जो इस्लाम धर्म है वो भी हमारे यहाँ आया था, ओके, पूर्व मुस्लिम इत्यादि, आर्य, कुषाण, यवन, पूर्व मुस्लिम इत्यादि, ओके, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भारतीय संस्कृति है वो काफी विविधतापूर्ण आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हमारी जो संस्कृति है, अगर हम विविधता की बात करें तो हर चीज में आपको विविधता देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम भौतिक विविधता की बात करें, भौतिक विविधता की बात करें, भौतिक विविधता की बात करें तो इसमें जैसे कि आपको पर्वतीय प्रदेशों में, पर्वतीय प्रदेशों में अलग तरह की आपको जो संस्कृति है वो आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर आप मैदान में आ जाएंगे तो मैदानी क्षेत्र में अलग तरह का पहनावा, ओढ़ावा, रहन-सहन सब आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप समुद्री तटों के इधर चले जाएंगे तो वहां का भोजन, वस्त्र सब कुछ चेंज हो जाता है। इसके अलावा आप लोग जैसे कि पठार वाले रीजन पर चले जाएंगे तो वहां पर उसका पहनावा, ओढ़ावा एकदम डिफरेंट हो जाएगी। जैसे आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर ऐसे लंबी लंबी सी टोपी लगाए रहते हैं, ओके, वहां पर जो फूड है वो ड्राई फ्रूट्स टाइप के ज्यादा खाते हैं। मैदानी क्षेत्र में आएंगे तो दाल भात चोखा बाटी चोखा हम लोग खाते हैं, ओके। पहनावा ओढ़ावा कैसा है हम लोगों का, तो आप लोग देखते हैं कि हमारा पहनावा ओढ़ावा है तो हम सूती वस्त्र से लेकर के ऊनी वस्त्र सभी हम पहनते हैं, ओके। तो और हम लोग दाल चावल है उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और खा करके मस्त हम लोग सोते हैं, ओके। इसके अलावा अगर आप चले जाएंगे तटवर्ती क्षेत्रों में चले जाएंगे तो वहां पर मच्छी भात बहुत ज्यादा खाया जाता है और लुंगी पहना जाता है। और इसी तरह से आप लोग दक्षिण भारत में चले जाएंगे, पठारी रीजन चले जाएंगे, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वहां पर मोटे अनाजों का उगाया जाता है। तो वहां पर मोटे अनाज है वो जैसे कि इडली उटली है वो बहुत ज्यादा बनाई जाती है, नारियल वारियल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और वो लोग लुंगी उंगी पहन करके घूमते हैं, तो वहां का पहनावा ओढ़ावा कल्चर है वो एकदम डिफरेंट हो जाता है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर हम भारत में बात करें विविधता की, तो एक तो आपको देखिए एक भौतिक विविधता देखने को मिलेगी, दूसरी निर्जातीयता विविधता भी देखने को मिलेगी। भारत में विभिन्न प्रकार के निर्जातीय समूह के लोग रहते हैं, ओके, निर्जातीय समूह के लोग रहते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा मंगोलाइड, मंगोलाइड आपको देखने को मिलेगा, कॉकेशियन, कॉकेशियन, तीसरा आपको देखने को मिलेगा द्रविड़, जो द्राविड़न, चौथा आपको देखने को मिलेगा आर्यन समूह, आर्यन समूह जिसको इंडो इंडो आर्यन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारी निर्जातीयता समूह भी देखने को मिलेंगे, ओके। जैसे हम भी हैं, हम भी किसी निर्जातीयता से बिलोंग करते होंगे, ओके। जैसे कि वो आर्यन हो सकता है, वो द्राविड़ हो सकता है, जैसे मंगोलाइट, जैसे कि हम लोग हड़प्पा की जब खुदाई किए थे तो वहां पर मंगोलाइट निर्जातीयता की वहां पर मूर्ति हम लोगों को मिली थी, ओके। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर बहुत सारी विविधता पाई जाती है कि भारत के अंदर 2000 से अधिक भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं, भाषाएं बा बोलियां बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं, ओके। और इसमें से आपको 22 भाषाएं, तो 22 भाषाएं तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेंगी, ओके। और आपको देखने को मिलेगा इसमें, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा हमारे यहाँ धार्मिक विविधता भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे कि भारत में आपको इस्लाम धर्म, ओके, इसके अलावा आपको जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो आपको इसके अलावा ईसाई, यहाँ पर नहीं लिखा, ईसाई भी आप लोग लिख लेना, ओके।
इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम सामाजिक के आधार पर बात करें, सामाजिक विविधता भी बहुत पाई जाती है, जैसे कि भोजन, कोई बाटी चोखा पसंद करता है, कोई दाल भात है वो ज्यादा कहीं पर खाया जाता है, ओके, कहीं पर लिट्टी चोखा है वो बहुत ज्यादा फेमस देखने को मिलेगा, कहीं पर अलग अलग चीजें आपको हर जगह देखने को मिलेंगी, जैसे कि भोजन के आधार पर, वस्त्र के आधार पर भी बहुत ज्यादा वस्त्र एवं पहनावा, जैसे कि आप राजस्थान में चले जाएंगे तो वहां की महिलाओं का पहनावा एकदम डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, वहां रीति रिवाज, रीति रिवाज, ओके। इसके अलावा कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति, ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो इस इन सभी के आधार पर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि भारतीय संस्कृति प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का अनोखा मेल है। भारतीय संस्कृति प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का अनोखा मेल है। वर्तमान में हजारों वर्ष पूर्व के सांस्कृतिक रीति रिवाज बने हुए दिखाई देते हैं, रीति रिवाज बने हुए दिखाई देते हैं। आज भी हड़प्पा सभ्यता की परंपराएं, आज भी हड़प्पा सभ्यता की परंपराएं, जैसे मातृ पूजा, शिव पूजा, सामूहिक स्नान, प्राकृतिक पूजा, जैसे मातृ पूजा, शिव पूजा, सामूहिक स्नान, प्राकृतिक पूजा आदि के तत्व वैदिक मंत्रों उच्चारण कला परंपराएं भारतीय उसी तरह से परंपराएं भारतीय उसी तरह से पालन करते हैं, उसी तरह से पालन करते हैं जैसे कि उनके पूर्वज करते थे, जैसे कि उनके पूर्वज करते थे। वर्तमान में भारतीय डायस्पोरा पूरी दुनिया में विस्तृत हैं। वर्तमान में डायस्पोरा पूरी दुनिया में विस्तृत हैं। वहां भी वह अपनी संस्कृति का पालन करते हैं। वहां भी वह अपनी संस्कृति का पालन करते हैं। आधुनिक संस्कृति का भी भारतीय उतनी ही शिद्दत से पालन करते हैं। आधुनिक संस्कृति का भी भारतीय उतनी शिद्दत से पालन करते हैं जितना कि अन्य आधुनिक देश करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी अब वैलेंटाइन डे वो उसी जो सोच से मनाया जाता है, जैसे पश्चिमी देशों में मनाया जाता है, उससे ज्यादा भारत में अब ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। क्रिसमस जो आपने देखा होगा कि जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस डे, अब जितना वहां पर मनाया जाता है उससे ज्यादा जोर शोर से अब भारत के अंदर भी मनाया जाता है। ओके, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, इसके अलावा भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में चौथा पॉइंट आपको लिखना है, भारतीय संस्कृति बौद्धिकता तथा अध्यात्मकता का सुंदर समन्वय है। भारतीय संस्कृति बौद्धिकता तथा अध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय है। अध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय है। प्राचीन काल में ही भारतीयों ने जीवन में सभी पक्षों को समान महत्व दिया, सभी पक्षों को समान महत्व दिया। जिसका उदाहरण पुरुषार्थ की संकल्पना है, जिसका उदाहरण पुरुषार्थ की संकल्पना है,
पुरुषार्थ का उसमें बोला गया कि मतलब इंसान को किस तरह से, किस एज एज में उसे क्या क्या करना चाहिए। ओके, जैसे धर्म अर्थ, जिसमें धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष सभी को बराबर महत्व दिया गया है, जिसमें धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष सभी को बराबर महत्व दिया गया है। पांचवा आप लोग लिखना है, सार्वभौमिकता शांति एवं सह अस्तित्व में विश्वास करने वाली संस्कृति। भारतीय संस्कृति कैसी है? सार्वभौमिकता, सर्वधर्म संभाव, हमारा क्या है ये स्लोगन आपको देखने को मिलेगा। सार्वभौमिकता शांति एवं सह अस्तित्व में विश्वास करने वाली संस्कृति। चलिए हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं विविधता में एकता के कारण। तो विविधता में एकता के कौन कौन से कारण है, इसके पीछे हम रीजंस के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो एक एक हम लोग देखते हैं दार्शनिक कारण। ओके, तो दार्शनिक कारण में बहुत सारे जो दार्शनिक थे उन्होंने सभी संस्कृतियों को आगे बढ़ाने की बात की गई थी। हमारे जो वेद है पुराण है उनमें भी सभी संस्कृतियों को आगे लेकर के जाने की बात की जाती है कि सभी संस्कृतियां एक ही हैं। ओके, इसी तरह से जैसे कि ऋग्वेद में बोला गया सत्य एकम विप्रा विप्र बहुधा वदन्ति, मतलब सत्य सिर्फ एक ही होता है, विद्वान उसको अलग अलग समझ लेते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जैसी अवधारणा है वो हमारे वेदों में मनुस्मृतियों में आपको देखने को मिलेगी। राजनीतिक कारण भी आपको देखने को मिलेगा कि राजनीतिक कारण ये है कि हमारे भारत को पूरे एक अखंड भारत के रूप में, एक उपमहाद्वीप के रूप में पहले से ही देखा जाता था, इसको एक अलग खंड के रूप में नहीं देखा जाता था। माना जाता था कि इस पूरे उपमहाद्वीप में, जैसे कि ये आपको इस तरह से आपको भारत देखने को मिलेगा। देखिए वर्तमान में अब इतना नहीं बचा है, अब तो भारत है वो बहुत संकीर्ण हो चुका है। ओके, फिर भी अभी भी हमारा भारत बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो पूरे इस पूरे जो भारत आपको इस तरह से दिख रहा है, इसको पूरा अखंड भारत पहले माना जाता था। ओके, इस तरह से देखिए, आपको फिर से अच्छे से बनाकर दिखा दें आप, अगर आपको इस तरह से दिख रहा होगा। इधर अफगानिस्तान से लेकर के इधर म्यांमार तक हमारी जो सीमाएं थी वो फैली हुई थी, और इधर आपको तिब्बत से लेकर के ऊपर आपको इधर अफगानिस्तान तक आपको देखने को मिलेगा, और नीचे कन्याकुमारी तक भारत की सीमाएं इस तरह से फैली हुई थी। ओके, तो माना जाता था इसमें जो भी लोग रहते हैं वो क्या है, एक भारतीय है, उनको एक अखंड रूप से एक एकता के रूप में देखा जाता था कि ये सब क्या है, भारतीय है भाई, एक ही है। ओके, तो भारत को पहले भारत नहीं बोला जाता था, अन्य अन्य नामों से जाना जाता था, जैसे कि जम्बू द्वीप है वो भी कहा जाता था। ओके, और इसमें जो शासन करता था उसको चक्रवर्ती के नाम से, सम्राट के नाम से बहुत नामों से जाना जाता था। ओके, हमारी जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी भी भूमिका देखने को मिलेगी, संविधान की भी भूमिका देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं विविधता में एकता के कौन कौन से कारण है। तो दार्शनिक कारण आप लोगों को हेडिंग डालना है, नंबर एक दार्शनिक कारण। दार्शनिक एवं वैचारिक स्तर पर, दार्शनिक एवं वैचारिक स्तर पर भारतीय वैदिक कला से ही, भारतीय वैदिक कला नहीं, वैदिक काल से ही विविधता में एकता की मनोवृत्ति में, विविधता में एकता की मनोवृत्ति में विश्वास करते थे। ऋग्वेद में इसका संदेश प्राप्त होता है, ऋग्वेद में इसका संदेश प्राप्त होता है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से इसे समझा जा सकता है, इसे समझा जा सकता है। ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है कि सत्य एकम विप्र बहुधा वदन्ति, इसका अर्थ है कि सत्य एक होता है, सत्य एक होता है, विद्वान उसे अलग अलग समझते हैं, विद्वान उसे अलग अलग समझते हैं। यहां पर उससे नहीं होगा, उस होगा। ओके, विद्वान उसे अलग अलग समझते हैं। राजनीतिक कारणों के ऊपर चलिए हम लोग आते हैं। तो अति प्राचीन काल में ही, अति प्राचीन काल में ही राजनीतिक रूप से,
एक्चुअली बहुत तेज नींद आ रही है, आज ठीक से सो नहीं पाए थे। अति प्राचीन काल में ही राजनीतिक रूप से भारत को एक भूखंड के रूप में समझा गया, भारत को एक भूखंड के रूप में समझा गया जिसे जम्मू द्वीप कहा गया था। जिसे जम्बू द्वीप कहा गया था। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप के बीच, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप के बीच शासन करने वाले शासक को चक्रवर्ती कहा गया। शासक को चक्रवर्ती कहा गया। शास्त्रों में शासकों से एकता को स्थापित करने के लिए आह्वान भी किया गया था। आह्वान भी किया गया था। अकबर जैसे शासकों ने भारत की विविधता को एकता के तहत बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर जैसे शासकों ने भारत की विविधता को एकता के तहत के तहत बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की है उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका आपको देखने को मिलेगी। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विभिन्न संस्कृतियां हैं, इनको एक किया गया और साथ में बहुत सारे महोत्सव हैं, बहुत सारे कार्यक्रम है वो प्रारंभ किए गए। भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता है उसको बढ़ाया गया। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो हमारे संविधान में विभिन्न खंड आपको देखने को मिलेंगे, विभिन्न प्रावधान किए गए जिससे एकता की भावना आती है। जैसे कि सभी के साथ समान व्यवहार करना, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, किसी भी आधार पर हो, किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब सभी क्या है, भारतीय हैं। हमने एक एक सिटीजनशिप की बात की है, तो क्या है यहाँ पर एकता की बात, हमारी संविधान है वो भी कहीं ना कहीं साबित करने का प्रयास करता है। तो भारतीय संस्कृति के निरंतरता के क्या क्या कारण है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं भारतीय संस्कृति के निरंतरता के पीछे कौन कौन से कारण है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे नंबर 1, अति प्राचीन काल से ही, थोड़ा तेज से आप लोग लिखिएगा क्योंकि काफी लंबा लेक्चर है। अति प्राचीन काल से ही भारतीय सह अस्तित्व में विश्वास करने वाले लोग रहे हैं। भारतीय सह अस्तित्व में विश्वास करने वाले लोग रहे हैं तथा आगे बढ़ने में एक दूसरे को तथा आगे बढ़ने में एक दूसरे को सहयोग करते रहे हैं एक दूसरे को सहयोग करते रहे हैं। इसके कारण सभी प्रकार की संस्कृतियां यहाँ सतत रूप से इसके कारण सभी प्रकार की संस्कृतियां यहाँ सतत रूप से विकसित होकर आगे बढ़ती रही हैं विकसित होकर आगे बढ़ती रही हैं। परिवारों की भूमिकाओं की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट आप लोगों को लिखना है, भारतीय परिवार अपने परंपराओं को संजोए रखने भारतीय परिवार अपने परंपराओं को संजोए रखने तथा
उनका निरंतर पालन करते रहने में विश्वास रखते हैं। भारतीय परिवार अपने परंपराओं को संजोए रखने तथा उनका निरंतर पालन करते रहने में विश्वास रखते हैं। आज भी अधिकांश परिवार परंपरागत रीति रिवाजों में विश्वास करते हैं। आज भी अधिकांश परिवार परंपरागत रीति रिवाजों में विश्वास करते हैं। प्राचीन संस्कृति को बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे गंगा पूजा हम आज से नहीं करते, गंगा पूजा हम कब से करते चले आए, आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो गंगा को पूजते हैं। ओके, इसके अलावा जैसे बरगद का पेड़ है, वो हमारे पूर्वज कभी पूजते थे बरगद के पेड़ को, लेकिन आज भी बरगद के पेड़ को हम भी पूजते चले आए हैं। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा, नीम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, पत्थर जो होता है उसकी हम लोग पूजा करते हैं, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये क्या है, हमारे भाई जो पूर्वज करते थे हम अभी भी उसको आगे बढ़ाते चले आए हैं। ओके, तो और आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा तीसरा, संतों और आचार्यों और गुरु शिष्य परंपरा का योगदान आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इसके तहत बहुत सारे जो गुरु आचार्य हैं वो दूसरे देशों में जाते हैं और दूसरे देशों के अलावा भारत के भी विभिन्न जगह पर जाते हैं, तो वो इन चीजों का प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अलावा वो मंदिर है और अपने जो धार्मिक स्थल होते हैं उनका निर्माण करते हैं, मठों का निर्माण करते हैं, तो वहां पर जो और लोग आते हैं उनको उस प्रकार की शिक्षा देते हैं, परंपराओं के बारे में बताते हैं, रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं वो हमारी परंपराओं को संरक्षित किए हुए हैं, तो ये कारण ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो संतों एवं आचार्यों एवं गुरु शिष्य परंपरा का योगदान, तो भारतीय परंपरागत संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने में संतों आचार्य एवं गुरु शिष्यों का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में देश के विभिन्न भागों में अनेक बौद्ध एवं जैन मठ, हिंदू मठ एवं मंदिरों में संत अपनी, यहाँ पर हिंदू लिख लीजिए, हिंदू मठ एवं मंदिरों में संत अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहे हैं। संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में विभिन्न घरानों के द्वारा सदियों पुरानी संगीत परंपरा को जिंदा रखा गया है। इसके अलावा जो निरंतरता है इसको बनाए रखने में हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान ये भी काफी योगदान रखता है। जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आप लोगों ने देखा बहुत सारे रीति रिवाज हैं, मेले त्योहार उत्सव प्रारंभ किए गए। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारी निरंतरता है वो बनाए रखने के लिए, जैसे कि ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया,
इन सभी की स्थापना की गई जिससे कुरीतियों को दूर करके हमारा जो धर्म है और सतत रूप से कैसे आगे बढ़े तो इसका प्रयास किया गया। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राचीन विश्व में भारतीयों का सांस्कृतिक संबंध। तो प्राचीन विश्व में भारतीयों का सांस्कृतिक संबंध की अगर बात करें तो जो प्राचीन काल से ही भारतीयों के विश्व के अन्य अन्य देशों के साथ में बहुत सारे संबंध आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर व्यापारिक संबंध थे तो व्यापारिक संबंध होने के साथ में सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित होते चले गए। जैसे कि इधर अगर हम ये बात करें हमारा प्यारा भारत है तो इधर आप लोग जाएंगे तो इस तरह से आपको इस तरह से इधर बहुत सारे देश यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इधर आपको इस तरह से ये एशिया आपको देखने को मिलेगा। ओके तो देखिए यहाँ पर जो भारत है इसके जो संबंध है ये यूरोप के साथ भी आपको देखने को मिलेंगे। भारत के संबंध यहाँ पर इधर यूरोप के साथ भी देखने को मिलेंगे। भारत के संबंध इधर मध्य एशिया के साथ भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भारत के संबंध है वो तिब्बत के साथ भी आपको देखने को मिलेंगे और भारत के संबंध है वो चीन के साथ में भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके चीन के साथ में और इधर से ही इस तरह से ये सिल्क रूट जाता था आप लोग जानते होंगे प्राचीन काल में। इस तरह से ये क्या था सिल्क रूट आपको देखने को मिलेगा ओके और इधर जो दक्षिण पूर्वी एशिया है इधर भी आपको संबंध देखने को मिलेंगे इसके दक्षिण पूर्वी एशिया और इधर श्रीलंका हो गया म्यांमार हो गया इधर आपको मालदीव देखने को मिलेगा। तो इधर बहुत दूर तक भारत के सांस्कृतिक व्यापारिक संबंध आपको देखने को मिलेंगे। ओके तो ये सारी चीजें हैं तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अति प्राचीन काल से ही भारत का विश्व के अन्य देशों से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध रहा है। भारत का संबंध मुख्य रूप से वर्तमान पश्चिम एशियाई देशों जैसे इराक, सीरिया, ईरान, रोम, यूनान, मध्य एशिया, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया, श्रीलंका आदि से भारत के विशेष जुड़ाव थे। चलिए हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा काल से ही आप लोगों को जल्दी जल्दी नोट करना है। हड़प्पा काल से ही भारतीय संस्कृति का विश्व के अनेक हिस्सों में प्रचार प्रसार हुआ है मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया आदि देशों में भारत के हिंदू जैन बौद्ध संस्कृति के अनेक रूप रंगों दर्शन कलाएं भाषा साहित्य आदि का प्रचार प्रसार हुआ।
प्रचार प्रसार हुआ। राजनीतिक रूप से भारत की सीमाएं, राजनीतिक रूप से भारत की सीमाएं, राजनीतिक रूप से भारत की सीमाएं भले छोटी बड़ी रही हों, छोटी बड़ी रही हों, सांस्कृतिक रूप में भारत की संस्कृति का, सांस्कृतिक रूप में भारत की संस्कृति का प्रसार विश्व के एक बड़े हिस्से पर था। विश्व के एक बड़े हिस्से पर था, इसे ही बेहद भारत, इसे ही बेहद भारत कहा जाता है, इसे ही बेहद भारत कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के, आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, भारतीय संस्कृति के विदेशों में प्रचार, भारतीय संस्कृति के विदेशों में प्रचार के कारण, विदेशों में प्रचार के कारण चलिए हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संस्कृति है उसका विदेशों में प्रचार प्रसार क्यों हुआ। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि एक व्यापारिक कारण आपको देखने को मिलेगा कि व्यापार लोग करते थे तो जाते थे उनके साथ में, कि जो धर्म गुरु होते थे, दार्शनिक होते थे, वो भी जाते थे तो रास्ते में भी रुकते थे। और बहुत सारे जो यूरोपीय देश हैं और अमेरिका देश है और इधर का जो रीजन है, इसके बीच में भारत पड़ता है, तो ये लोग जब यात्रा करते थे तो भारत को रुकने की एक जगह बनाते थे, तो यहाँ पर लोग आते थे तो भारत से बहुत कुछ सीख करके जाते थे और अपने यहाँ उसका प्रसार करते थे। इसके अलावा भारत के प्राचीन काल में बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय थे, जो काफी विश्वविख्यात आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, यहाँ से दूर दूर से लोग थे, दूसरे देशों के लोग थे, वो आकर के पढ़ने आते थे, छात्र पढ़ने आते थे, तो वो जब यहाँ आते थे तो यहाँ की कला एवं संस्कृतियों को सीखते थे, फिर उसको जाने के बाद अपने यहाँ भी उसका प्रचार प्रसार करते थे। इसके अलावा बहुत सारे धर्म गुरु और राजा लोग थे, उनका भी काफी महत्वपूर्ण योगदान था, उन्होंने दूसरे देशों में जाकर के बहुत सारे मिशन चलाए और उन मिशनों के माध्यम से अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। तो ये आपको देखने को मिलेगा व्यापार की भूमिका हड़प, तो ये आपको देखने को मिलेगी, जैसे व्यापार की भूमिका हड़प्पा काल से ही भारतीयों ने विदेशी व्यापार को महत्वपूर्ण स्थान दिया था, भारत का विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, तिब्बत, चीन, रोम आदि देशों से होता था। व्यापार के माध्यम से भारतीय संस्कृति के प्रचार को बल मिला। क्योंकि व्यापारियों के साथ अनेक संत, आचार्य, तीर्थयात्री भी दूसरे देशों में आते जाते थे।
व्यापारियों के साथ अनेक संत आचार्य तीर्थ यात्री भी दूसरे देशों में आते जाते थे। धर्म की भूमिका, नेक्स्ट हेडिंग डालना है धर्म की भूमिका। भारत अनेक धर्मों, हिंदू जैन बौद्ध का जननी देश है। हिंदू बौद्ध जैन का जननी देश है। सभी धार्मिक संप्रदाय अपने मतों से सभी धार्मिक संप्रदाय अपने मतों से प्रचार अपने मतों से नहीं होगा, यहाँ पर अपने मतों का होगा। अपने मतों का प्रचार करने में विश्वास रखते थे। प्रचार करने में विश्वास रखते थे। फलता भारत के अनेक ब्राह्मण पंडित बौद्ध एवं जैन आचार्यों ने बौद्ध एवं जैन आचार्यों ने दुनिया के दूसरे देशों का भ्रमण किया था। दुनिया के दूसरे देशों का भ्रमण किया था। दूसरे देशों का भ्रमण किया था। वहां भारतीय संस्कृति को फैलाने का कार्य किया। वहां भारतीय संस्कृति को फैलाने का कार्य किया। 100 BC में कौटिल्य नामक ब्राह्मण ने सौ बीसी में कौटिल्य नामक ब्राह्मण ने जावा द्वीप की यात्रा की। कौटिल्य नामक ब्राह्मण ने जावा द्वीप की यात्रा की। इससे हिंदू संस्कृति का प्रसार हुआ। इससे हिंदी संस्कृति का प्रसार हुआ। इसी प्रकार धर्म रक्षित दीपांकर जैसे बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत एवं चीन जैसे देशों की यात्रा की। इसी प्रकार धर्म रक्षित दीपांकर जैसे बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत एवं चीन जैसे देशों की यात्रा की। शासकों की अगर हम योगदान की बात करें तो शासकों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था हमारी संस्कृति का विदेशों में प्रचार करने में। प्राचीन काल में अनेक भारतीय शासकों ने विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए मिशन एवं दूत मंडल भेजे। मिशन एवं दूत मंडल भेजे। अशोक अशोक द्वारा पश्चिमी देशों अशोक द्वारा पश्चिमी देशों सीरिया, मिस्र, अफ्रीका, यूनान आदि, श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मिशन भेजा। श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मिशन भेजा। इसी प्रकार कनिष्क द्वारा वर्तमान मध्य एशियाई देशों जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया।
इसके अलावा विश्वविद्यालयों की भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्राचीन काल में बहुत सारे विश्वविद्यालय थे। प्राचीन भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, पल्लवी आदि अनेक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के ज्ञान के लिए यदि अनेक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के ज्ञान के मामले में इसकी दुनिया भर में प्रसिद्धि थी। अनेक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के ज्ञान के मामले में इसकी दुनिया भर में प्रसिद्धि थी। यहाँ के शिक्षक काफी ज्ञानी थे। दुनिया के अनेक हिस्सों के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। दुनिया के अनेक शिष्य दुनिया भर में प्रसिद्धि थी। यहाँ के शिक्षक काफी ज्ञानी थे। दुनिया के अनेक हिस्सों के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। हेन सांग जैसे चीनी यात्रियों ने यहाँ की यात्रा की। हेन सांग जैसे चीनी यात्रियों ने यहाँ की यात्रा की। इसी प्रकार धर्म रक्षित एवं शीलभद्र, इनके समय में हेन सांग के समय नालंदा के कुलपति आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आचार्यों को चीन बुलाया गया, जैसे आचार्यों को चीन बुलाया गया। इस प्रकार इन भारतीय विश्वविद्यालयों ने भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार करने में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की विशेष भौगोलिक स्थिति भी आपको देखने को मिलेगा। मानचित्र पर भारत की एक विशेष भौगोलिक स्थिति है। पश्चिम एवं पूरब के देशों के बीच में होने के कारण पश्चिम एवं पूरब के देशों के बीच में होने के कारण अनेक तीर्थयात्री, व्यापारी, धर्मगुरु आदि भारत से होकर गुजरते थे। भारत को अपनी यात्रा का पड़ाव बनाते थे। भारत को अपनी यात्रा का पड़ाव बनाते थे। इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार को बल मिला। ओके, एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन लगाए थे, क्वेश्चन कहाँ चले गए? एक्चुअली लगता है क्वेश्चन वाला टैब है वो डिलीट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन डिलीट हो गया है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखना है, प्राचीन विश्व में भारत के सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत चीन संबंधों 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 की
विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए। ओके, इसके अलावा आपको लिखना है कि प्राचीन विश्व में, भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी कीजिए। ओके, इसके अलावा आपको एक लिखना है, क्या आप मानते हैं कि पश्चिम की उपभोक्ता संस्कृति ने, भारत की, आध्यात्मिक संस्कृति को चोट पहुंचाने, का कार्य किया है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ओके, तो ये आपका लेक्चर यहाँ पर ही खत्म करते हैं। आज बहुत भयानक नींद आ रही है एक्चुअली, इसीलिए आप लोगों के लिए थोड़ी स्टोरी नहीं सुनाया, वरना आपको कुछ थोड़ी इंटरेस्टिंग वाली मजेदार आपको कहानियां भी सुनाते हैं। एकदम आंखें नहीं खुल रही है एक्चुअली, बहुत भयानक नींद आ रही है मुझे। अब जाकर के थोड़ी दूर में आधे घंटे सोऊंगा, फिर वहीं जाकर जाने के बाद में खाना बनाया जाएगा। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। आज आपको स्टोरी नहीं सुना पाई क्योंकि बहुत भयानक नींद आ रही थी, आंखें नहीं खुल रही थी, मैं कैसे पता नहीं देख करके बोलता जा रहा था, मुझे खुद नहीं पता है। ओके, चलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें।